मेरे को अभी लास्ट 1 महीना से थोड़ा सा हर्निया का दोनों साइड में थोड़ा प्रॉब्लम लग गया था। फिर धीरे धीरे मैंने सोनोग्राफी किया, उसमें मालूम पड़ गया। कल मेरा ऑपरेशन भी हो गया, उसके बाद में 3 घंटे इतने हुआ, उसके बाद में मैं चलने लगा, फिर कुर्सी पे आराम से बैठ सकता है। मैं आज सेकंड टाइम दिखाने आया तो एकदम बढ़िया है, डॉक्टर साहब ने भी बोला सब कुछ ओके है और आने जाना समय खुद मतलब आ रहा है, कोई इश्यू नहीं है। और मेरे को ड्यूटी पे भी जाने के लिए बोल दिया है। अभी नॉर्मली मैं 1 महीने के सब कुछ चालू हो गया, नॉर्मली ऐसे 4-व्हीलर भी चालू कर दिया, एज पर रूटीन सब चालू हो गया, कोई इश्यू नहीं है। मेरा नाम है सुनील नायर, मैं गुमा में रहता हूँ और मेरा उम्र है 52 इयर्स। मेरे को अभी लास्ट 1 महीना से थोड़ा सा हर्निया का दोनों साइड में थोड़ा प्रॉब्लम लग गया था। फिर धीरे धीरे मैंने सोनोग्राफी किया, उसमें मालूम पड़ गया। फिर मैंने यूट्यूब में सबसे जो बेस्ट डॉक्टर है हर्निया डॉक्टर करके सर्च किया तो ये चिराग टक्कर साहब नंबर 1 में देखा। उसके बाद में मैं उनसे कंसल्ट करने गया, उन्होंने बोला ये ऑपरेशन लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन बहुत अच्छा रहेगा और इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसकी वजह से मैंने तुरंत 1 महीने के अंदर मैंने एडमिट भी हो गया, कल मेरा ऑपरेशन भी हो गया। उसके बाद में 3 घंटे इतने हुआ, उसके बाद में मैं चलने लगा, फिर कुर्सी पे आराम से बैठ सकता है, कुर्सी से उड़ के बेड पे बैठ सकता है, कोई इश्यू नहीं है। आज सुबह मेरा डिस्चार्ज भी हो गया, एवरीथिंग इज फाइन, मुझे एकदम बढ़िया लग रहा है, अच्छा है। मेरा नाम सुनील है, मैं पहले भी इसमें बात किया हुआ था ऑलरेडी, ऑपरेशन के उसी दिन रात को मैंने बात किया था, लेकिन अभी आया 10 दिन हो गया। मैं आज सेकंड टाइम दिखाने आया तो एकदम बढ़िया है, डॉक्टर साहब ने भी बोला सब कुछ ओके है और आने जाना समय खुद मतलब आ रहा है, कोई इश्यू नहीं है। और मेरे को ड्यूटी पे भी जाने के लिए बोल दिया है, मतलब एकदम सही लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम अच्छा, कोई पेन तो सब निकल गया है, तो अच्छा है, एवरीथिंग इज फाइन, बहुत अच्छा है। मतलब मैं जो स्टार्टिंग में थोड़ा मेरे को एक डर लग रहा था, एक ऑपरेशन है उसके बाद में क्या होगा, वो सब मेरे से बिल्कुल निकल गया, एकदम अच्छा लग रहा है। और एक दूसरे के डिफरेंस ये भी पता चल गया, उन्होंने मेरे को स्टार्टिंग में बोला था नॉर्मल या लेप्रोस्कोपिक, लेप्रोस्कोपिक के लिए उन्होंने मेरे को जो सजेशन दिया वो बहुत अच्छे डिसीजन था, वही करना चाहिए सभी लोगों को, एकदम रियलिटी मिलता है उसमें से, बहुत अच्छा। हेलो, मैं सुनील नायर हूँ, पहले भी मेरे 7 दिन के बाद और 15 दिन के भी मैंने बात किया था, आज 1 महीने के बाद कंसल्टेशन के लिए आया था आपके पास। तो अभी नॉर्मली मैं 1 महीने के सब कुछ चालू हो गया, नॉर्मली ऐसे 4-व्हीलर भी चालू कर दिया, एज पर रूटीन सब चालू हो गया, कोई इश्यू नहीं है। मतलब मुझे कोई टैबलेट या कोई मेडिसिन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ा ऑपरेशन के बाद, और साहब ने भी बोल दिया ग्रेट, कोई ऐसे इश्यू नहीं, नॉर्मल में आपको जैसे करना है वो सब कर सकता है। अगर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था 2-व्हीलर के लिए, लेकिन सामने बोला वो थोड़ा सा टाइम, मतलब लोकल चला सकता है लेकिन लॉन्ग रूट अभी नहीं चलाना है, बाकी एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ सही है, कोई इश्यू नहीं। अभी मुझे लग रहा है अभी सब मैं एकदम नॉर्मल रूटीन में आ गया डेली, वर्किंग में भी जा रहा हूँ। हमारा क्या होता है, मैक्सिमम वॉकिंग होता है, तो मैंने 15 दिन के बाद ऑलरेडी चालू कर दिया था, तो अभी परफेक्ट फिटनेस है, नो प्रॉब्लम।